And I would like to say thanks for coming and all the students for making this function is a grand success. As you know all that, there is an English speaking course. Similarly, this year also, there was an English speaking course in Zaifa classes from FMU. बातें मत सुनो भाई। यहाँ पर सभी बच्चे मौजूद और हमसे बड़े हमारे बड़े भाई या मेरे साथी जितने भी हैं, देखिए सबसे पहले चीज़ हमें कुछ समझना है अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ समझना है और फिर उसके बाद एक राह बना करके हमें आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्लाह ताला ने बेशक दुनिया बनाई है, दुनिया बनाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत शय जो बनाई है, जो एक चीज़ बनाई है, वो बनाई है इंसान को, और इसी वजह से उसका नाम अशरफुल मखलूकात रखा गया है। इसका मतलब होता है द बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड, यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो एक तरीके से कीमती शय है वो हम हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने अपने आप को नहीं पहचाना है, हम लोग अपनी हकीकत को भूल बैठे हैं, हम लोग अपने आप को भुला चुके हैं। इसी वजह से हम जिंदगी के हर एक शोबे में नाकाम होते चले जा रहे हैं। एक साइकोलॉजिकली भी मैं आपसे बात करूंगा और दीनी पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, प्रेजेंट सिनेरियो से भी बात करूंगा। आप लोग 15 मिनट मुझे सुने और आपको बहुत अच्छा इंशाल्लाह रियलाइज होगा। 15 मिनट मैं आपको एक चीज बताऊं कि कभी और कीजिए कि ये जो दुनिया बनाई गई है, ये कायनात जो बनाई गई है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बनाई गई है। आप ये सोचिए कि जिस खुदा ने हमें बनाया है, हमें तराशा है, हमें अपीयरेंस दी है, उस खुदा ने हमारी हाथों की पांचों उंगलियों को एक सा नहीं बनाया, इवन यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स, एक इतना बड़ा फैक्ट जिसके बारे में तफ्तीश करने वाले लोग, खोज करने वाले लोग इस्लाम ले आए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक जितने लोग आएंगे उनकी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होंगे। And all my dear friends. First of all, I would like to say thanks, Mr. Yusuf, for calling me. Firstly, I have a thought for you. Education is the most powerful weapon to change the world. I am here to introduce myself in front of you. May I introduce myself in front of you, sir? Sir, my name is Mohammed Mujahid. I am living near Faizyah Masjid, Jamalpur. We are 4 members in my family, including me. My father name is Mr. Shaukat Khan, and my occupation is an ambulance driver in Jawaharlal Nehru Medical College. My mother name is Mrs. Madina Shaukat. She is a housewife. My long-term goal is to become a software engineer, and that's why I'm working hard for my future. I'm a self-motivated and disciplined soul. I always keen upskill myself by learning new things whenever I get a chance. My strength are my appreciable communication and presentation skill. I believe in being realistic. In my free time, I enjoy spending time with my friend, playing games, and reading books. That's all about myself. Thank you for listening to me, and it is a great experience to talking with you. Thank you. Assalamu alaikum. Alhamdulillah.
अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिल्लाह व सफा अम्मा बा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ورواية أخرى ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام मोहतरम सामिन इकराम बिलखुसूस सदर और सेक्रेटरी ऑफ ज़ायफ़ा क्लासेस बकिया तमाम असातिज़ा इकराम और महबूब व मंदूब तुल्लाब यहाँ पर जो हमारा जमा होना है वो जो हमने मेहनतें की हैं जो काबिशें की हैं जो अपने पसीने को बहाया है उसकी खुशी मनाने का दिन जितने भी कागजाती डिग्रीज होती हैं या जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये सिर्फ ऑफिशियली हैं इनसे इनके अंदर जो बातें लिखी होती हैं या जो नंबरात होते हैं जो मार्क्स होते हैं इनसे हम लोगों के दिलों को खुश कर सकते हैं अपने दिल को खुश नहीं कर सकते थोड़ी सी गहरी बात है जो हमें नंबर मिलते हैं या जो सर्टिफिकेट मिलता है इससे हम लोगों को खुश कर सकते हैं हमें 100 में से 90% मिले या 80% मिले इनसे हम अपने माँ बाप को खुश कर सकते हैं इनसे हम अपने असातिज़ा को खुश कर सकते हैं इनसे हम अपने मोहल्ले वालों को खुश कर सकते हैं इनसे हम अपने पड़ोसियों को रिश्तेदारों को खुश कर सकते हैं लेकिन असल हमारी जो खुशी है जो बच्चे की खुशी है जो इल्म हासिल करने वाले की खुशी है वो है उसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना ये है असल खुशी एक जगह पर आकर जम जाना या एक जगह पर आकर रुक जाना इसमें बच्चे की खुशी नहीं है इसीलिए माँ बाप की और असातिज़ा इकराम की कोशिश और काबिश ये रहती है कि बच्चा एक जगह पर ना रुकता वो आगे की मंजिलों को तय करता चला जाए तो असातिज़ा और माँ बाप बच्चे की खुशी के खातिर कि ये आगे कैसे बढ़ता चला जाए माँ बाप दिन रात मेहनतें करते हैं और असातिज़ा इकराम उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपने उस क्लास में अपने उस दर्जे में मेहनतें करते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी हमारे माँ बाप निभाते हैं तो बच्चों की जिम्मेदारी क्या है बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल कर लेना नंबरात हासिल कर लेना ये पूरी जिम्मेदारी नहीं है अधूरी जिम्मेदारी हम अपनी मेहनतों को निखार कर और अपनी मेहनतों को उस दर्जे पर पहुंचा कर उस मकाम को हासिल करें जिस पर हमारे असातिज़ा और हमारे वतन का और हमारे माँ बाप का सर ऊँचा हो उनका नाम रोशन ये है असल मेहनत बहरहाल तो हमारी ज़ायफ़ा क्लासेस की कोशिश शुरू से ही ये रही है कि जो बच्चे जिनके अंदर माली हालत कमज़ोर है या जो अपने घर बार से कमज़ोर हैं आगे बढ़ने के उनके कोई ज़राए या कोई सहारे नहीं हैं
उनको आगे बढ़ाने की हमारी फिक्र और कोशिश रहती है। हमारी जो जद्दोजहद है वो खुसूसी तौर पर उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना, उन गरीब बच्चों को उस मकाम तक पहुंचाना कि जो लोगों की सोचें बनी हुई है कि गरीब बच्चा और गरीब घराने का बच्चा निचले दर्जे का है, हम उस बच्चे को उस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि सारा जमाना देखे, पूरा हिंदुस्तान देखे, पूरा ये यूपी देखे कि ये गरीब बच्चा गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला और गरीब माँ बाप से ताल्लुक रखने वाला ये उस मकाम तक पहुँचा। ये हमारी कोशिश और ये तालीम और इल्म हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना ये आज का नया नहीं है। अगर हम अपनी तारीख इस्लाम पढ़ें और तारीख इस्लाम को जब जानने की हम कोशिश करेंगे तो उस तारीख इस्लाम और इस्लाम की शुरुआत, उस कुरान की शुरुआत, उस पैगंबर के वही की शुरुआत हमें तालीम से ही मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई नमाजें फ़र्ज नहीं हुई, कोई ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, कोई हज फ़र्ज नहीं हुआ, माँ बाप की खिदमत के अहकाम अल्लाह की तरफ से नहीं आए। सबसे पहली जो अल्लाह ने वही भेजी है, सबसे पहला जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सबक सिखलाया वो तालीम का ही सबक, एजुकेशन। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में है, गार कहते हैं गुफा को, अल्लाह के नबी गारे हिरा में हैं, अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी को बयान कर रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के नबी इसके पास पहुंचकर उस वही को, उस अल्लाह के पैगाम को सुनाते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये पांच आयात पूरे कुरान में सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने सबक सिखलाया उम्मत को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी वो अल्लाह ने यही इस इल्म को पहुंचाने की जिम्मेदारी कि आप इस इल्म को सीखिए और इस इल्म को सीख कर अपनी पूरी उम्मत में इस इल्म की अहमियत को बयान कर कर इस इल्म को पूरी उम्मत में पहुँचाइए। वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ इसलिए लाए थे कि अल्लाह की इबादत सिखलाएं आकर, अल्लाह की जात को, अल्लाह की सिफात को हकीकी तौर पर उम्मत को बताएं कि अल्लाह क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, वो जात किस कुदरत की और किस ताकत की।